चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश का मौसम, तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप हर मौसम में इसको इंजॉय कर सकते हो। पराठों के साथ भी कर सकते हो, दाल चावल के साथ भी कर सकते हो और बिरयानी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हो। तो आज हम बनाने जा रहे लाल मिर्चों का भरवा अचार। तो मैंने आधा किलो मिर्चें लिए, उसे मैंने अच्छी तरह धोकर सूखा कर और उसे मैं चीरा लगाऊंगी। तो मैंने इसमें बीज नहीं निकालिए, मैं इसे इसी में रहने दूंगी। तो हमने सारी मिर्चों में लगा दिया है चीरा। अब इसमें हम अब मसाला तैयार करेंगे। मैंने आधा चम्मच कलौंजी, दो चम्मच सौंफ, दो चम्मच काली राई और दो चम्मच लिया है मैंने साबुत धनिया और दो चम्मच साथ में लिया है मैंने मेथी दाना। ये मसाला आप किसी भी अचार में डाल सकते हो, जैसे हरी मिर्च का अचार हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, आम का अचार हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। इस मसाले से आप हर तरह के अचार बना के इंजॉय कर सकते हो और स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मैं हल्की आंच पे मैंने तवे पे इसे अच्छी तरह भून लिया है, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसे मैं भून रही हूँ। भूनने से ये इसका कच्चापन निकल जाएगा और इसकी खुशबू भी आएगी और ये ख़राब भी नहीं होगा, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा अचार के अंदर। और अचार में भून के ही मसाला डालते हैं। अब इस मसाले को ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी के जार में पीस लूँगी। आपको इसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। ये मेरा अचार का मसाला हो चुका है रेडी। तो अब हम इस सारे मसाले में सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच मैंने लिया नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और उसके बाद में लिए मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हींग ली मैंने जो कि पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और थोड़ा सा लिया मैंने इसमें अमचूर पाउडर ताकि आपका अचार ख़राब ना हो। आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हो, खटाई के हिसाब से आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। और ये लिया मैंने कच्चे धानी का सरसों का तेल। तेल में इसे गरम नहीं करूँगी और इस तेल को मैं सीधा मसाले में डाल दूँगी। सारे मसाले का मैं पेस्ट बना रही हूँ तेल मिलाकर, मेरी सारी सामग्री में मिक्स कर रही हूँ और इसे मसाला तैयार कर दिया मैंने। अब मैं सारी मिर्चों में एक एक करके ये मसाला भरूंगी। आसानी से घर में बना सकते हो और बना के तैयार रख सकते हो। आप ये एक एक साल के भी नहीं रख सकते हो और सालों साल ये आपका मिर्ची का अचार बनके सालों साल ये मिर्ची का अचार आपका चलेगा। आजकल धूप तो हो ही रही है तो आप इसे धूप में रखिए ताकि इसका जो तेल का कच्चापन है वो उसमें धूप में पक जाएगा। अगर अचार को शीशे के बर्तन में रखे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और उसमें एक और टिप्स है कि आप पानी वाला हाथ या पानी वाला चम्मच कभी भी अचार के अंदर मत डालिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। अब मैं ये सरसों का तेल ऊपर से डाल रही हूँ, सारी मिर्चों को बिल्कुल सरसों के तेल में डुबो दूंगी। और तेल मैंने कच्चा ही लिया है। तेल डालने के बाद मैं धूप में सुखाऊं, एक ही पहला दिन है
तो ये मेरा ये अचार कितने अच्छी तरह पक चुका है। तो इसी तरह आप 4-5 दिन के लिए धूप लगाइए, 2-3 घंटे के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस अचार को पराठे के साथ, बिरयानी के साथ या किसी भी सब्जी के साथ आप खा सकते हो, लंच में ले जा सकते हो।